Hey guys, what's up? I am Saurav Rajput of Real Adventure. Good morning from capital of Bihar, Patna. So, ये पेश है एक और नया सफर, एक और नई बस जर्नी. आज की बस जर्नी होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास. आज मैं करने वाला हूँ इंटरनेशनल बस जर्नी. तो टाइटल देख के आप अब तक समझ चुके होंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ आज की जर्नी रहने वाली है कैपिटल ऑफ बिहार पटना टू कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू. देश भले ही इस जर्नी में क्रॉस हो रहे हो, लेकिन संस्कृति और अपनापन वो बिल्कुल अपने देश जैसा ही होता है. सबसे खास बात कि इस जर्नी को करने के लिए आपको किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती. यहाँ पे सिर्फ एक आप अपनी आइडेंटिटी यानी कि पहचान पत्र दिखा के भी जर्नी कर सकते हैं. वैसे इंडिया से नेपाल की जर्नी मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब मैं गया था दिल्ली से काठमांडू. उस वीडियो पे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, तो मैंने सोचा कि एक नया रूट काठमांडू के लिए एक्सप्लोर करते हैं. इस वाले रूट पे बहुत ही कम वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पे देखने को मिलेगी, तो मैंने सोचा कि ये वाला रूट भी कवर कर लेते हैं. बात करें बस के प्रस्थान की, तो बस का प्रस्थान हमारा होना था गांधी मैदान पटना से. लेकिन सुबह सुबह मुझे फोन आया और मुझे बताया गया कि आपको आना है गायघाट करके एक जगह है, वहां पे आपको आना है, वहां से आपकी बस आपको मिलेगी. ये जो बस है ये बोधगया से चलती है और बीच में ये बोधगया से बंद हो गई थी, डायरेक्ट पटना से चलती थी. तो मैंने सोचा कि इस बार भी शायद पटना से ही जाएगी. जब मैंने लास्ट टाइम उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे पटना से ही बताया था, बट सडनली अभी मैं आया तो अभी मैंने उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली और अभी पता चला कि ये बस बोधगया से चल रही है और पटना गांधी मैदान ये बस नहीं आएगी. तो अगर आप कभी पटना से काठमांडू का ये सफर इस बस में कर रहे हैं, तो ये कंफर्म करके आए कि ये बस बोधगया से आएगी या फिर ये बस गांधी मैदान से चलेगी. नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे दूंगा, जिस पे कॉल करके आप बस के शेड्यूल का पता कर सकते हैं और उस नंबर पे कॉल करके आप टिकट भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि इस बस की टिकट ऑनलाइन आपको नहीं मिलने वाली. तो मेन मुद्दे की बात है कि बस हमें मिलेगी गायघाट पटना से. गायघाट बस आएगी दिन में 12:30 से 1 बजे के बीच में और काठमांडू हमें सुबह पहुंचा देगी 6 बजे. मैं तो चाहता हूँ कि बस काठमांडू पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा लेट हो जाए, अदरवाइज नेपाल की जितनी भी सीनिक ब्यूटी है वो सारी की सारी हम अंधेरे में मिस कर देने वाले हैं. बस की बात करें तो बस रहने वाली है BSRTC की टाटा मार्को पोलो. अभी टाटा मार्को पोलो है या कोई दूसरी बस है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन मेन बात है कि बस रहने वाली है BSRTC की. BSRTC बोले तो बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. जर्नी डिस्टेंस की बात करें तो पटना से काठमांडू का डिस्टेंस रहने वाला है करीबन 460 यानी 460 किलोमीटर के आसपास. बस का फेयर मैंने पे करा है 1300 रुपए यानी 1300 रुपीज. बाकी आपको बता दूं कि दिल्ली से काठमांडू की जर्नी करी थी सनौली बॉर्डर से और ये वाली जर्नी रहने वाली है रक्सौल बॉर्डर से. तो ये टाइम हो रहा है अभी 9:10. सामान वामान यहाँ से पैक करते हैं, नीचे चल के नाश्ता वास्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं गायघाट की तरफ. आपको बता दूं पटना में मैं रुका था एग्जीबिशन रोड पे पेंटलूम मॉल के साथ, एक होटल न्यू मेगा पैलेस करके पड़ता था, वहां रुका हुआ था और अभी रिक्शे में बैठा हुआ हूँ. यहाँ के रिक्शे भी थोड़े से यूनिक है, जो पीछे वाला पोर्शन देख रहे होगे ना ये ऐसे करके क्लोज भी हो जाता है. और अभी मैं जा रहा हूँ गांधी मैदान बस स्टैंड और फिर वहां से जाऊंगा गायघाट. तो जी मैं अभी आ गया हूँ गांधी मैदान बाकीपुर पटना बस स्टैंड और ये काउंटर है जहाँ से आप पटना से काठमांडू नेपाल और पटना से जनकपुर नेपाल की टिकट वगैरह बुक करवा सकते हैं. तो हमारे साथ इधर मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार. अच्छा, इसकी टिकट ऑनलाइन नहीं मिलती ना? मैंने ऑनलाइन बहुत सारी जगह चेक करी, ऑफलाइन यहाँ पे टिकट मिलती है. तो सर का जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे शो कर दूंगा ताकि आप आसानी से टिकट बुक करवा सकें. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये बस बोधगया से बीच में बंद हो गई थी. एक्चुअली ये बीच में बंद नहीं हुई थी, संजीव जी ने मुझे बताया जो काउंटर पे बैठे हुए थे कि अभी बोधगया में कोई मेला चल रहा है, तो उस वजह से डायरेक्ट बस बोधगया से पटना चाह रही है और कुछ दिनों में जब मेला खत्म हो जाएगा तो दोबारा ये फिर डायरेक्ट पटना से कहीं ना कहीं काठमांडू के लिए चलेगी. और क्योंकि आज मैं अकेला पैसेंजर हूँ, गांधी मैदान बाकीपुर बस स्टैंड से काठमांडू जाने वाला है, इसलिए बस यहाँ नहीं आ रही है और बस सीधा आएगी गायघाट और फिर हम यात्रा करेंगे गायघाट से काठमांडू की. और जी बिहार आए और अगर बिहार की स्पेशल डिश नहीं खाई तो फिर क्या करा आपने? तो अभी हम खाने आ गए हैं लिट्टी चोखा. कितने की प्लेट है भैया? 20 के 2 है. तो लगा दो फिर 20 के 2, आगे देखें भाई कैसा है. अच्छा जी, चलो जी आगे देखते हैं लिट्टी चोखा. किस किस चीज से बनता है भाई साहब ये? अच्छा, तो ऐसा कुछ ये लिट्टी चोखा है. चलो जी खाते हैं एक बार लिट्टी चोखा भी. तो जी फाइनली अपनी बस आ गई है जो हमें लेके जाएगी पटना से काठमांडू. तो जी ये कुछ अपनी बस है अंदर से और अपनी सीट है 31 नंबर. तो जी फाइनली बस में बोर्ड कर लिया और क्योंकि इस बस में केबिन
क्लोज रहता तो आगे वाली सीट लेके भी कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने विंडो वाली सीट ले ली थी ताकि नज़ारे वगैरह दिखाने में थोड़ी सी आसानी हो। बाकी बात करें बस की तो काफ़ी ऑर्डिनरी सी बस है, चार्जिंग सॉकेट है ये टूटा हुआ है, पता नहीं हिला हुआ है, और इधर मैगजीन होल्डर होते हैं ये भी टूटे फूटे पड़े हैं, बॉटल देख ये भी टूटे फूटे से ही पड़े हैं। बाकी ऊपर आपको मिल जाते हैं रीडिंग लैंप और एसी वगैरह के फ्लोर्स। बाकी सीटें तो वैसी सारी पुश बैक है, लेकिन पुश बैक सीटों का कुछ ज़्यादा खास काम होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है, तो अगर सीट पुश बैक कर भी लेंगे तो बिल्कुल घुटनों में अड़ जाएगी यहाँ पे आके। तो चलती बस मैं बोर्ड कर रहा था इसलिए बस आपको ठीक से दिखा नहीं पाया था, ये है अपनी बस है। बाकी ऊपर देख सकते हो भारत नेपाल बस सेवा बोधगया पटना मुजफ्फरपुर काठमांडू, और वो ऊपर लगी है लाल बत्तियां जिससे आती है वीआईपी वाली फीलिंग। तो भाई साहब हमारे पानी की बोतल बेचने चढ़े थे और अंदर ही बंद हो गए। नेपाल चलो हमारे साथ काठमांडू जाना काठमांडू। तो भैया यहाँ पे बीच में एक्चुअली क्या है कि केबिन क्लोज रहता है, कुंडी लग जाती है तो अंदर ही रह गए, हम इनको आगे कहीं उतारेंगे। और बस में मौजूद है हमारे साथ हमारे दो दो ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब क्या नाम है आपका? मेरा शिवा। शिवा, और दूसरे ड्राइवर साहब का? अच्छा, तो हमारे दो दो ड्राइवर साहब रहने वाले हैं। अच्छा, ये हमारे कंडक्टर साहब है। तो जैसा आपको बता रहा था कि बस में सायरन मौजूद होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बस जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाती है तो ऐसा सायरन यूजुअली बसेस पे रहता है, और बड़ी वीआईपी वाली फीलिंग आती है जब ये सायरन चलता है। तो टाइम अभी हुआ है 2:30 और बस अभी पहुंची है मुजफ्फरपुर। तो अभी एक छोटा सा हॉल्ट मुजफ्फरपुर में लिया गया है, क्योंकि ये बस बोधगया से आ रही है तो फ्रेशन अप होने के लिए यहाँ पे बस रुकी है। बाकी बात करें बस की तो आपको बता दूं कि जो बस बिल्ट है वो टाटा की चेसिस पे बिल्ट है, लेकिन जो बॉडी बिल्ड करी है उसके बारे में ड्राइवर साहब को भी आइडिया नहीं था, तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बस टाटा की चेसिस पे बिल्ट है, मेन बात ये है। तो अभी यहाँ बस में से ही मुजफ्फरनगर में कोई ऑफिशियल स्टाफ बस में चढ़ा था आईडी वगैरह चेकिंग के लिए। बोधगया से जो लोग आ रहे हैं उनकी आईडी पहले ही चेक हो गई होंगी, और जो लोग पटना से चढ़े हैं, बेसिकली पटना से वैसे दो ही लोग चढ़े थे, एक मैं था एक भैया और थे, तो अभी यहाँ पे चढ़े हैं ऑफिशियल स्टाफ और आईडी वगैरह बेसिकली चेक की जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर वगैरह पे भी होती है, बट उनके एंड से बस में भी वो कर रहे हैं। और भाई साहब बिहार में जर्नी करते करते ना कभी कभी डर लगने लगता है, क्योंकि अचानक से एक बंदा बस के सामने आया और ऐसे करके बस को हाथ दिखा रहा था। वो लड़का एक्चुअली में रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन रोड क्रॉस करने का तरीका देखो, ऐसे हाथ दिखा के वो रोड क्रॉस कर रहा था कि रुक जाओ पहले मुझे निकलने दो, बस को देखा जाएगा। तो ड्राइवर साहब ने उसको धमका के इशारा हाथ से करके उसको हटवाया दूर से। तो ऐसा भी बिहार में होता, ड्राइवर साहब ने बोला देखो ये हमारा बिहार ऐसा भी यहाँ पे हो जाता है, तो मुझे बड़ी जोर की हंसी आई। बाकी अभी बस रुकी है पीपर कोटी के पास ही एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम है ठाकुर
होटल और 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लिया गया है चाय पानी पीने के लिए। और आपको बता दूं कि अभी हम हैं NH 27 पे, और ये NH 27 जो है ना, ये कहीं ना कहीं से आपको यात्रा करवाता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक। बात करें वेस्ट इंडिया की तो ये गुजरात में पोरबंदर से शुरू होता है और ये नॉर्थ ईस्ट तक जाके असम सिलचर में खत्म होता है। इस NH 27 को हमने पकड़ा था मुजफ्फरपुर बिहार में, और हमारा साथ इस NH 27 तक रहेगा सिर्फ पीपरकोटी तक। वैसे मुजफ्फरपुर के बाद हमने क्रॉस करा मोतीपुर चकिया, और अभी हम हैं नज़दीक पीपरकोटी के, और उसके बाद जो शहर आएगा वो है मोतिहारी। तो ये 10 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लिया गया, तो चाय पानी पी लेते हैं। तो चाय पीने का तो मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने लगवा लिया यहाँ पे रसमलाई। तो ये रसमलाई खा के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। और बाकी आपको बता दूं कि यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग भी मिल गई थी जैसे हम यहाँ बस में से उतरे थे कि रोड से थोड़ा दूर रहो, झपट्टा लग सकता है, फोन छीन सकता है। चलो जी बाकी रसमलाई खाते हैं और देखते हैं कैसी है रसमलाई। तो जी रसमलाई खा लिया, रसमलाई एवरेज थी। और बाकी रेस्ट स्टॉप की बात करें तो रेस्ट स्टॉप पे साफ सफाई भी एवरेज है, रेस्ट स्टॉप हाइजीन एक तरीके से एवरेज बोल सकते हो। तो जी बाकी पैसेंजर वगैरह अभी खाना वाना खा रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, जैसे वो आते हैं फिर सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। टाइम हुआ 5:50 और बस अभी पहुंची है मोतिहारी। भाई सामने एक बस जा रही है जिसपे नीले कलर के अक्षरों में लिखा हुआ है वॉल्वो। मुझे कमेंट करके ये बताओ ये वॉल्वो का कौन सा मॉडल है। बस अभी रुकी है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं ना कहीं रुकी है और फ्यूलिंग के लिए यहाँ पे हॉल्ट लिया गया है। उधर वो सामने खड़ी है अपनी बस और फ्यूलिंग वगैरह बस में चल रही है। और अभी कैबिन में बैठे हुए थे तो दूसरे ड्राइवर साहब से बातें चल रही थी। एक ड्राइवर साहब काठमांडू के रहने वाले हैं, दूसरे ड्राइवर साहब बिहार में ही कहीं से रहने वाले हैं। तो बता रहे थे कि भाई साहब मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट सबसे खतरनाक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, अच्छी अच्छी और कुछ बुरी भी। बट मेन मुद्दे की बात है कि बस अभी यहाँ रुकी है फ्यूलिंग के लिए, और रक्सौल बॉर्डर पटना बिहार का जो बॉर्डर पड़ता है वो यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर है। बाकी मौसम की बात करें ठंड की, तो यार ठंड उतनी कुछ ज़्यादा लग नहीं रही है, ठीक है नॉर्मल सी ठंड है बस। अभी पेट्रोल पंप पे इतने रोमांटिक गाने चल रहे हैं ना, ऊपर स्पीकर्स हैं, अगर आप देखोगे ना ऊपर स्पीकर्स लगे हुए हैं, इतने रोमांटिक गाने लगा रखे हैं पेट्रोल पंप वाले ने ना, पूरा समा यहीं बना दिया है। तो जी टाइम हो गया 8:10 और अभी हम पहुंचे हैं रक्सौल कस्टम चेक पे, और यहाँ पे कस्टम वगैरह चेक होगा, उसके बाद रक्सौल बॉर्डर में एंट्री करके हम पहुंचेंगे नेपाल में, और फिर नेपाल में भी एक बार कस्टम चेक होगा, फिर हम आगे निकलेंगे अपने सफर की तरफ। तो जी फाइनली हमने एंट्री कर ली है नेपाल में, सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू नेपाल। और ये सामने आप जो देख रहे हो नेपाल का शंकराचार्य गेट है, और ये इलाका है वीरगंज। तो अभी नेपाल के कस्टम पे बस रुकी है, ये है सामने शंकराचार्य गेट वीरगंज में, और इधर अभी आईडी वगैरह चेक होगी, कस्टम वगैरह चेक होगा, और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपना सफर। जो देख रहे हो चूरे भाई का मंदिर है, जिनके नाम पे जय का नाम रखा हुआ है। तो जी टाइम हो गया 11:52 और बस ने अभी हॉल्ट लिया है खाने के लिए, और भोजनालय का नाम है माउंट दिव्य ज्योति भोजनालय, जगह है बस्तीपुर, और भूख बहुत जोर की लग रही है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो जी खाना वाना लगवा लिया है,
200 नेपाली रुपए की ये प्लेट है, जिसमें कि चावल हैं, छोले की सब्जी है, साग है, दाल है और एक पापड़ है। रोटी इस प्लेट में नहीं है। तो जी खाना वाना खा लिया, बाकी नेपाल के खाने की बात करूँ तो यार नेपाल का खाना मुझे कुछ समझ नहीं आता। वेज खाना जो होता है ना बहुत सिंपल सादा खाना होता है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि नेपाल का खाना बिल्कुल ही बेकार है, बट हम दिल्ली वालों को थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ के भोजनालयों की एक बात आपको बताता हूँ कि वेज और नॉन वेज दोनों एक ही भोजनालय में मिलते हैं, एक ही रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि वेज खाना आपको यहाँ पे स्पेशली नहीं मिलेगा, हो सकता है ढाबों में आपको वेज खाना भी स्पेशली मिल जाए, बट मैक्सिमम ढाबों में आपको वेज और नॉन वेज एक साथ मिलते हैं। तो अगर आप शुद्ध शाकाहारी भोजनालय ढूंढ रहे हो तो नेपाल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बात करें ठंड की तो यार बॉर्डर तक रक्सौल तक कोई ठंड नहीं बाकी बात करें ठंड की तो रक्सौल बॉर्डर तक बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे नेपाल में आगे बढ़ रहे हैं और काठमांडू की तरफ अग्रसर हो रहे हैं वैसे वैसे ठंड का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और रात भी हो गई इस वजह से ठंड और ज़्यादा लग रही है। बाकी यहाँ के ढाबों के बारे में एक ख़ास चीज़ और आपको बताता हूँ कि ढाबों पे मैक्सिमम जगह आपको अल्कोहल मिल जाएगा, बियर मिल जाएगी आपको आसानी से। तो पीने वालों के लिए तो भाई साहब नेपाल जन्नत है एक तरीके से। और सोच रहा था कि जैसे ही ढाबे पे पहुँचेंगे तो सिम वगैरह एक नेपाल की ले लूँगा, लास्ट टाइम आया था तो सिम नहीं ली थी, बट इस बार सोचा कि सिम वगैरह ले लूँगा। तो इतनी रात में यहाँ पहुँचे हैं तो सिम वगैरह तो मिलना मुश्किल है, और वैसे आसपास कोई दुकान भी नहीं है ऐसे सिम वगैरह की। कोई नहीं, सुबह काठमांडू जब पहुँचेंगे तो सिम वगैरह ले लेंगे। तो जी टाइम हो गया रात के 2:05, मैं हूँ अभी नारायण घाट बस स्टैंड में, और प्रॉब्लम क्या हो गई है कि कंपनी की कोई बस दूसरी जगह पे ख़राब हो गई है। अब उनको बोध गया जाना है, और बोध गया जाने के लिए इकलौती ये BSRTC की बस है, तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि आपको किसी और बस में शिफ्ट कर रहे हैं और ये बस उनको पिक करेगी और बोध गया ले के आएगी। तो यार ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि हमने सफ़र का पैसा पे करा है तो हम यहाँ रात में क्यों उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं। तो अभी बातचीत वगैरह चल रही है, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। कंपनी बोले तो जो इस बस को ऑन करते हैं, एक्चुअली क्या है कि BSRTC ने भी ये बस किसी और के साथ टाई अप करके लगा रखी होती है, तो जिस कंपनी की एक्चुअली में ये बस है उनकी कोई बस ख़राब हो गई है। तो भाई ऐसा पहली बार देखा है, अपनी बस बिल्कुल ठीक है फिर भी पैसेंजर लोग सफ़र कर रहे हैं इधर, दूसरी गाड़ी ख़राब हुई है तो उसकी व्यवस्था भी वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बस है ना खाली तो मिल नहीं रही है, सारी भरी हुई यहाँ पे आ रही हैं, दो दो तीन तीन सीटें उनमें खाली है, तो इतने सारे पैसेंजर तो उनमें शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। अभी इसका क्या मसला निकलता है वो देखने वाली बात होती है। और देखो सामने पैसेंजर बोल भी रहे हैं कि भाई अगर नहीं जाना तो पैसा हमारा वापस कर दो, फिर आप जो मर्जी करते बनो। तो भाई बात ठीक कह रहे हैं, अगर पैसा पूरा पे करा है तो फिर ये लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, हम सब क्यों सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। तो फाइनली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, ये बस पहले काठमांडू जाएगी और फिर उन लोगों को पिक करके वापस बोधगया जाएगी, क्योंकि कोई भी पैसेंजर उतरने के लिए तैयार नहीं था। सब यही बोल रहे थे कि हमने पैसा पूरा पे करा तो हम क्यों सफ़र करें। तो चलिए जी दोबारा सफ़र की शुरुआत करते हैं नारायण घाट से। बस अभी रुकी है पिसलिंग नाम की जगह, मुगलिंग हम क्रॉस कर चुके हैं और ठंड में चल रही है चाय। ऐसी ठंड में चाय पीने के अलग ही मज़े हैं, तो अभी चाय वाय पीते हैं फिर आएगा सफ़र कंटिन्यू करते हैं। लो जी लो, अभी जैसे ही सवेरा हुआ है पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देना भी स्टार्ट हो गए हैं। Woo!
काफ़ी ख़राब रास्ते के बाद अब जाके बढ़िया रास्ता शुरू हुआ है। अगर पूरे काठमांडू तक ऐसा रास्ता बन जाए ना भाई, फिर सफ़र बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी जगह रास्ता है, होपफुली आने वाले सालों में जब ये रास्ता पूरा बन जाएगा, रूटे पूरा तैयार हो जाएगा बढ़िया वाला, तो सफ़र करने में काठमांडू तक और भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और वो सामने देखो तो टनल्स वगैरह के भी काम चल रहे हैं, तो जब ये पूरा हाईवे अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, टनल वगैरह बन जाएंगी, फिर देखो रास्ता कितना बढ़िया होगा। तो जी फाइनली अभी हम एंटर हुए हैं नागडुंगा। काठमांडू में भी पीछे चेक पोस्ट पे गाड़ी रुकी थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह हुई और उसके बाद अब हम नागडुंगा में आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं मेन काठमांडू की तरफ। तो जी 19 घंटे की जर्नी पूरी करके मैं भी पहुंच गया हूं स्वयंभू कारखाना चौक काठमांडू, और काठमांडू आए हैं, यहां हमें मिल गए हमारे जान पहचान के कोई शख्स। क्या हाल है सर? नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। हमारे साथ मौजूद हैं जगजीत जी जो कि DTC वॉल्वो के लाइन इंस्पेक्टर हैं। तो लास्ट टाइम सर के साथ गए थे तो बड़ा आनंद आया था और वीडियो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, देखी थी वीडियो आपने? और यहाँ एक चीज़ देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि DTC ने भाई साहब नई वॉल्वो दिल्ली काठमांडू वाले रूट पे लगा दिए BS6। तो कब आई है BS6 वाली? जी, न्यू मॉडल है। नहीं आई कब है ये? ये सर अभी एक महीना होने वाला है। अच्छा, एक महीना, मतलब हमारे जाते नई वॉल्वो लगवा दी। डिमांड था, वो पुराना बस हो गया था, प्रॉब्लम हो रहा था, तो दोनों बसें न्यू कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई वॉल्वो यार बड़ी प्यारी लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है और BS6 है तो फिर क्या ही कहने। अभी काठमांडू आया था तो मैंने सोचा कि चलो DTC की बस दिखाई दे रही है तो वो भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे आया तो सर अचानक से मिल गए। चलो सर ठीक है, फिर मिलते हैं। वैसे आज तो आपके साथ नहीं जा पाएंगे, कभी दोबारा आएंगे नई वॉल्वो में। चलो ठीक है। बाकी जर्नी की बात करें तो डिस्टेंस कम था लेकिन टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन इस जर्नी को आप टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से मत देखिए क्योंकि जर्नी में आए थे बहुत ज़्यादा हर्डल्स। तो अभी होटल में चलते हैं, फिर बाकी बातें वहाँ चल के करते हैं। एक तरफ था पटना जहाँ रोडें ठीक थी, 2 लेन था, कहीं कहीं पे 4 लेन भी था, लेकिन ओवरऑल रोड ठीक थी, लेकिन वहाँ पे कहीं कहीं दबंग आदमी रोड क्रॉस करते हुए ऐसे हाथ दिखा के बोलते कि पहले बस रुके फिर हम रोड क्रॉस करेंगे। और उसके अलावा गांव शहर कस्बों में लगा जाम। फिर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है कस्टम पे, जहाँ करीबन 2-2.5 घंटे हमारे निकल जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बस चेंज होने वाले मसले पे, वहाँ भी करीबन 1-1.5 घंटे निकल जाते हैं। और फिर आती है मेन चौथी प्रॉब्लम, नेपाल की सड़कें जो कहीं कहीं पे ख़राब है और कहीं कहीं पे अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। और देखो नेपाल क्योंकि एक मेन टूरिस्ट हब है, एक पिलग्रिम हब है, तो उस हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि यार रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा और बेटर होना चाहिए। हालांकि अभी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में रोड है, तो आने वाले सालों में हमें और अच्छा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला, बट टिल द डेट रोडों की हालत जो है अभी थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब है। तो ये 4 प्रॉब्लम से लड़ते हुए हम पहुँचते हैं काठमांडू नेपाल, और काठमांडू नेपाल पहुँचते हम हो जाते हैं 19 घंटे। बाकी मैं अभी रुका हूँ होटल चॉइस में, तो ये सामने इधर होटल चॉइस है, काफ़ी अच्छा होटल है, शानदार है। और सबसे ख़ास बात है कि स्वयंभू कारखाना चौक के नज़दीक है, तो अगर बस से यहाँ उतर रहे हो और काठमांडू घूमने का प्लान है तो यहाँ पर आके आप रुक सकते हो। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं रैप अप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खालियत नहीं जाना होता। अगर पटना से काठमांडू नेपाल की जर्नी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।